हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीबीआई ऑफिशियल, मैं आदिल हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई, एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके पास आए हैं और हमारे तोते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि आदिल भाई, बारिशों का मौसम चल रहा है, कुछ इसमें बताएं कि पैरेट जो है सुस्त होकर बैठ रहे हैं, थोड़ी सी उनको ठंड लग रही है, तो क्या किया जाए। इस वीडियो में मैं वही सब बताऊंगा कि आपने क्या क्या खुराकें देनी है, क्या एहतियात करनी है। इससे पहले जो लोग नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, लाइक कर दें जल्दी से, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा और किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। देखिए, बारिश का सीजन चल रहा है तो बर्ड्स को जो है थोड़ी सी सर्दी भी लग जाती है। कोशिश करें आप ऐसी जगह रखें जहाँ कंटिन्यू पानी ना आता हो, क्योंकि पैरेट गीले होंगे तो जाहिर सी बात है उनको ठंड लगेगी। अच्छा, थोड़ी बहुत नमी होती है, थोड़ी बहुत अगर सर्दी लग जाती है, अगर किसी के पास छोटे बर्ड्स हैं तो आप उसमें कनेरी सीड का और काली सरसों का इस्तेमाल कर दें, और सनफ्लावर वगैरह सीड्स का थोड़ा सा इस्तेमाल कर दें, गर्म चीज़ें बढ़ा दें। लेकिन ये सिर्फ बारिश तक रहे, जब नॉर्मल मौसम हो जाए तो आप फिर दाना वही इनको नॉर्मल रूटीन का जो दे रहे हैं वो दे सकते हैं। अच्छा, एग्जॉटिक बर्ड्स अगर आपके पास हैं, जैसे कि ग्रीन रिंगनेक के बाद से सारे एग्जॉटिक बर्ड शुरू हो जाते हैं, तो उनको आपने क्या करना है कि थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, फ्रूट हो गया, पिस्ता हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ें दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप उन्हें मूंगफली का इस्तेमाल ज़्यादा करा सकते हैं, उसमें ईरानी बीज, काले बीज, ये ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है ना। और आपने इनको जो है बिल्कुल शावर नहीं करना है अभी जब तक बारिशें चल रही हैं। हाँ, बारिश में अगर पैरेट नहा रहा है, आपने खुला छोड़ दिया, पैरेट के अगर पर कटे हुए हैं, वो नहा रहा है खुद से, तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको शावर नहीं देना है कि नहीं यार, अदील भाई ने तो कहा था कि एक दिन छोड़ के शावर देते हैं, आज दो तीन दिन हो गए तो शावर दे दें, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आपने खुद से शावर नहीं देना है पैरेट को, ठीक है, और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पानी बारिश का कम गिरे, पैरेट दूर से बारिश को देख के इंजॉय कर ले, पैरेट को खोल दें अगर वो खुद जाके नहाता है, भले कितनी भी देर नहाए, उसके बाद उसको रख दें। अच्छा, किसी के पैरेट गीले हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आपको सर्दी लग गई है, तो हेयर ड्रायर आता है, ठीक है ना, आप उससे भी दूर से करके इसको हेयर ड्रायर कर सकते हैं, सही है। नहीं तो गर्म जगह पे रख दें, पंखा बंद करके रख दें, थोड़ी देर के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पैरेट फूल गया है, थोड़ा सा बुखार बुखार फील हो रहा है, तो छोटे परिंदों को 5 कतरे और बड़ों को 8 से 10 कतरे आप पिला दीजिए पैनाडोल के, ठीक है। बाकी इनकी पॉटी वगैरह पर ख्याल करें, मोशन ना करें, बिल्कुल वाइट ना करें। भाई, पानी जैसे मोशन नहीं होते, मैं आपको बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, पानी जैसे मोशन जो है वो बड़े जानवरों को लगते हैं, परिंदों को नहीं लगते, ठीक है। तो ये वीडियो जो हमारे बनाने का मकसद था, जो हमारे व्यूअर्स परेशान हो रहे थे बारिशों में क्या करें क्या ना करें, तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट से जरूर भर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।